हे गाइस, वेलकम टू द फोटो ब्लॉग। आज एक शूट है मेरा, तो मैं चाहता हूँ कि उस शूट को आप सभी के साथ शेयर करूँ कि कैसे अगर सनलाइट कंडीशन ज़्यादा होता है तो मैनेज करें। थोड़ा बहुत टिप्स जो बिगनर्स हैं उन्हें ये देख के हेल्प मिलेगा। मौसम तो वैसे अभी फ़िलहाल मतलब बादल घेरा हुआ है, मतलब सूरज को, यहाँ पर सूरज है तो यहाँ पर बादल घेरा हुआ है, लेकिन भी जब बादल हट जा रहा है तो फिर सनलाइट बहुत तेज़। और अभी 12 बज रहे हैं तो सन क्या होता है, सर के ऊपर रहता है तो शेडो क्रिएट होता है फेस पे, तो उसको मैंने उस लाइटिंग कंडीशन को कैसे मैनेज करना है इस बारे में देखेंगे। और जो मेरे क्लाइंट हैं जो आने वाले हैं वो भी मतलब दोस्त जैसे ही हैं, तो उनसे भी मुलाकात होगी। अच्छी बात यह है कि हम एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस जा रहे हैं, संबलपुर के मतलब हिल स्टेशन बोलना चाहिए उस एरिया को। उस एरिया का नाम वैसे पानथानी वास है, लेकिन हिल स्टेशन टाइप का है, तो वहाँ का भी नज़ारा काफ़ी, चलिए दिखाता हूँ। तो ये जो रूट से हम लोग जा रहे हैं ये बेसिकली डियर पार्क का रास्ता है, मतलब डियर पार्क एक ज़ू है, उसी रोड से जा रहे हैं। और सनलाइट कंडीशन देखो आप, मैं इसी सनलाइट की बात कर रहा था कि मतलब बहुत हार्ड होता है ये सनलाइट। ये देखो डियर पार्क पहुंच चुके हैं और ये बंद है। मैं यहाँ पहले बहुत सारे शूट किया करता था, मतलब आउटडोर शूट के लिए मैं डियर पार्क, ज़ू को, और भी ऐसे बहुत सारे पार्क हैं जहाँ पर हम लोग शूट किया करते थे। लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है अभी, मतलब कोरोना की वजह से कोई पार्क खुल नहीं रहा है। यार धूप निकला है बहुत सही है, लेकिन ना आज गर्मी बहुत हार्ड है यार। ये तो शुक्र है कि रास्ते में पेड़ पौधे भरे हुए हैं, इसलिए इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है, सब जगह छाँव छाँव है। सही कहते हैं यार, सही कहते हैं कि मतलब पेड़ पौधे ज़रूरी है ऑक्सीजन के लिए भी, और ऐसे गर्मी से राहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये रास्ता ना इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है कि एकदम शांत भी रहता है और एकदम हरियाली वाला रास्ता है। सही है। ओके, तो फाइनली हम लोग यहाँ से टर्न करते हैं, यहाँ से टर्न करके अभी आगे से फिर राइट टर्न कर लेंगे। तो ये है गवर्नमेंट हाई स्कूल चंद्रशेखर बेहरा ज़िला स्कूल, और यहाँ से ये जो रोड जाता है, इस रोड पे ऊपर में हिल स्टेशन है, तो हम लोग इस रोड पे जाएंगे। तो ये जो रोड आप देख रहे हो ये पानथानी वास के ऊपर चढ़ने का रास्ता है, और ये दीवारों पे जो कलाकृतियाँ देख रहे हो आप, इन कलाकृतियों में भी हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ उठाई हैं। ये रोड बेसिकली मतलब ऐसे राउंड राउंड हो के ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, इससे तो फिर पहुंचते हैं अपनी मंजिल, और हम लोग आ ही चुके हैं लगभग, तो मैं आपको वहाँ पहुंच के आपसे बात करता हूँ। तो मैं पहुंच चुका हूँ अभी हिल स्टेशन पर, और मतलब धूप इतना है कि एकदम पसीना से भर गया हूँ। तो अभी अपना जो भाई है बीरू भाई, वो आने वाला है, तो आएगा तो फिर शूट स्टार्ट करेंगे। और जब तक मैं आपको ये जो प्लेस है इसका थोड़ा सा हाईलाइट दिखाता हूँ। तो फाइनली यहाँ पर बीरू भाई आ चुके हैं। ये अपने बीरू भाई, भाई बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। और जो बीरू भाई हैं
ये सिर्फ शूट के लिए इनके साथ रिश्ता नहीं है, इनके साथ दिल का भी रिश्ता है। मतलब बहुत दिनों से हम दोस्त हैं, साथ में घूमने फिरने भी जाया करते हैं कहीं कहीं। तो अभी आप फ़िलहाल अपना शूट देखो, उसके बाद फिर आप लोगों से शूट के बाद बात करेंगे। तो जब भी लाइट कंडीशन ज़्यादा होता है, मतलब सनलाइट जब भी ज़्यादा होता है, तो आप प्रेफर करो कि हमेशा अपना जो सब्जेक्ट है उसको कहीं छांव वाले जगह पे रखो, ताकि आपका सब्जेक्ट छांव में रहे। और ये सोचो कि जो बैकग्राउंड हो सब्जेक्ट का, वो थोड़ा आपके सब्जेक्ट से डार्क हो, यानी अंडर एक्सपोज हो। जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि मेरे सब्जेक्ट का जो बैकग्राउंड है वो अंडर एक्सपोज है थोड़ा सा। तो अभी हम लोग फोटोशूट करते हैं इसमें और देखते हैं कैसा दिखता है ये जो बैकग्राउंड दिख रहा है यहाँ पर फूल वाला। तो यहाँ पर भाई को खड़ा किया है और इस बैकग्राउंड पे अभी एक शूट करके देखते हैं, इस ये सारे लेयर्स को कॉम्बाइन करके एक फ्रेम बना के देखते हैं कैसा आ रहा है। अभी एक फुल फ़ोटो लेंगे बैकग्राउंड ब्लर वाले, जिसको पसंद है ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर। तो उसका टेक्निक बेसिकली क्या है कि आपका सब्जेक्ट से आपका बैकग्राउंड ज़्यादा दूर होना चाहिए और आपके सब्जेक्ट से आपका भी डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। मतलब 135 mm का डिस्टेंस होना चाहिए, फोकल लेंथ का डिस्टेंस होना चाहिए। तो अभी अपना भाई जो है, वीरू भाई, यहाँ खड़े हैं, उनका बैकग्राउंड काफ़ी दूर है उनसे, मैं भी उनसे काफ़ी दूर में हूँ। मतलब मेरा जो कैमरा का फोकल लेंथ है लेंस का 135 mm का, उतना दूर से। और इसके बाद बैकग्राउंड का बोके चेक करते हैं। तो अभी जो हमने फ़ोटो उठाया उसका आप यहाँ पर देख सकते हो, बैकग्राउंड का बोके कितना अच्छा है। मतलब बोके आप देख सकते हो, फुल फ़ोटो में इतना ज़्यादा बोके आना, मतलब ये बस वही टेक्निक का कमाल है। अभी थोड़ा सनलाइट को यूज़ करके बैकग्राउंड का फ़ोटो लेना है। जैसे अभी यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर बैकग्राउंड स्काई है और सन जहाँ पर है भाई को, हमने सन के लाइट के ऊपर डायरेक्शन में खड़ाया है ताकि बैकग्राउंड ले सकें, इस एरिया को दिखाना है। तो चलो इसके इस लेयर को बनाते हैं। भैया यहाँ पर अपना फोटोशूट आज का ख़त्म हो चुका है। तो बीरू भाई कैसा लगा आज का फोटो? आज का फोटो पूरा बेस्ट हुआ है भाई, बोल रहे हैं बेस्ट हुआ है आज का फोटोशूट। बाकी बाकी दिन का नहीं होता था, बाकी दिन बेस्ट हुआ, आज का दिन बेस्ट हुआ है। ठीक है, बेस्ट हुआ है। हम लोग आप लोगों को ये भी दिखाना चाहते थे, यहाँ पर ऊपर में ना, मतलब एक वो है टावर है, जो व्यू टावर है, जहाँ से मतलब पूरा संबलपुर का नज़ारा दिखता है। तो अभी लॉकडाउन कोरोना के वजह से यहाँ पर बंद किया हुआ है इन लोगों ने। खैर, जो भी मैंने आप लोगों को बताया और दिखाया, आई होप कि आप लोगों को काफ़ी थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा फ़ोटोशूट के बारे में। खैर, अभी घर चलते हैं, फिर वहाँ पर घर में आपसे कुछ बातें और करेंगे। ठीक है, अभी मैं घर पहुंच चुका हूं
और आप लोगों को ये बताना था कि आज जो हम लोगों ने फ़ोटो शूट किया वो विदाउट फ्लैश लाइट आउटडोर शूट था, जिसमें हम लोगों ने कहीं पर सनलाइट को यूज़ किया तो कहीं पर सनलाइट को डिफ्यूज़ करके यूज़ किया। तो बेसिकली ये कोई ट्यूटोरियल वीडियो तो था नहीं जिसमें मैं आपको पूरी डिटेल्स बताता, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो आपको समझने में मुश्किल हो रहा है फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोगों का कमेंट आया तो। तो ये थी आज की कार्यक्रम, ये था आज का कार्यक्रम जो यहाँ पे समाप्त हुआ। ऐसे ही किसी वीडियो में, ऐसे ही नहीं, मतलब वो जो राइट डाइक वाला जो मैंने आप लोगों से कहा था वो तो हो नहीं पा रहा है यार, मतलब जा नहीं पा रहे हम लोग, लेकिन संडे को प्लानिंग किया है, अगर संडे को जाते हैं तो राइट डाइक वाला वीडियो बहुत जल्द आएगा, तो आएगा तो आप लोगों को उसे देखना है और क्या। चलिए ठीक है।